गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डेट सारी आ चुकी है, सब कुछ आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन सर्किल पैराबोला लिस्ट हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे, होपफुली आपसे क्वेश्चन हुए भी होंगे, जो थोड़े बहुत अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे तो उनको अपन डिस्कस करते कर लेंगे, ठीक है? आप ग्रुप पे डालते जाइए, आप लोग को जवाब मिलते जाते हैं ग्रुप पे। खैर आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे बेटा हाइपरबोला। एज हाइपरबोला क्या सिग्निफिकेंस है, पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं आपसे तो लाइक क्वेश्चन वाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला का एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है मेंस में, बट हर पेपर में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन सर्कुलर एंड पैराबोला तक मेजर चीजें आती हैं, बाकी सब मिक्स आती हैं। हाइपरबोला पे अगर कुछ आएगा तो टेंजेंट नॉर्मल से लेंथ अप आएगा, जैसे आप लोग को याद होगा मैंने लिस्ट में क्वेश्चन कराया था उसमें हाइपरबोला यूज कर लिया था, ऐसी चीजें आती है। खैर बात करते हैं हाइपरबोला की, सबसे पहले बात करें जो डिफिनेशन कहती है, क्या बेसिक डिफिनेशन क्या कहती है, तो इसकी जो बेसिक डिफिनेशन कहती है वो बेसिक डिफिनेशन क्या कहती है हम उसकी बात करते हैं आपसे। तो जो इसकी बेसिक डिफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट है, जैसे कल अपन ने इलिप्स के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, वैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, अगर एक वेरिएबल पॉइंट पी था जिसकी कोऑर्डिनेट लेटर थे मैंने h, k मान ली और दो फिक्स पॉइंट थे, एक का f2 नाम था एक का f1 नाम था, तो इससे जो डिस्टेंसेज है, फिर से मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन करूंगा, इनका डिफरेंस p से f1 का डिस्टेंस माइनस p से f2 का डिस्टेंस, इसका जो डिफरेंस है ये कॉन्स्टेंट है 2a के बराबर, कॉन्स्टेंट, ठीक, ये वापस से c कॉमा जीरो, ये वापस से माइनस c कॉमा जीरो है, ठीक है? तो अगर ये कॉन्स्टेंट होता है, क्या pf1 माइनस pf2 का मॉडुलस अगर 2a के बराबर है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि जो ये पॉइंट p होगा ये हमेशा किस पर आचेगा, हाइपरबोला पे। कैसे आता है क्या आता है हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं, तो मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड डेरिवेशन की या स्टैंडर्ड डिफिनेशन की, स्टैंडर्ड डिफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे बल्कि ज्यादा बेटर रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला में क्या क्या देखते हैं, थोड़ा सा फ्लो रहेगा आज, क्यों आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स पैराबोला अच्छे से पढ़ रखा है, सर्कुलर पढ़ रखा है, तो कई चीजें हमें पता है अच्छे से, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम विल हैव टू बी फोकस ऑन दैट, सो आई विल कंसीडर दीस टू पॉइंट्स, आई विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दैट विल बी कम आउट टू बी एच माइनस सी का होल स्क्वायर पी एफ वन प्लस का के स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस प्लस के का होल स्क्वायर सॉरी एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2a। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करके जब मैनिपुलेट करेंगे तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज और आई, 2a जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए 2c से, जैसे हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, तो वही फंडा में यहाँ पे लगा रहा हूँ 2c से छोटा होना चाहिए, 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट, ठीक है? सो दैट विल बी इक्वल टू 1, इसको मैंने v स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से हम हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? अब जब हमने डिराइव कर लिया हाइपरबोला की इक्वेशन, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होगा, क्योंकि c a से बड़ा था दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है? मैनिपुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर हम इसकी फोटो तो भी बना लेंगे, फिर हम बात करते हैं सिंथेसिटी की। अगर तो उन्होंने जब से कल पढ़ा था e इक्वल टू, चलिए फोटो ही बना के बात कर लेते हैं, तो अगर मैंने हाइपरबोला की फोटो बनानी चाहिए तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से मैं कल की तरह जैसे बात करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कल उन्होंने बात करी थी क्लिप के टाइम पे, तो चाहो तो मैं दोबारा करके दे देता हूँ आपको। अगर मैं इसको इंटरप्रेट कराना चाहूंगा फोटो बनाने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो बी बाई ए आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ठीक है? एक ब्रांच की बात कर लेते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये तभी डिफाइंड होगा जब ए से बड़ा होगा और माइनस ए से छोटा होगा, इलिप्स टाइप में बताया था क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों बैठा है, तो फर्स्ट क्वार्टर में ग्राफ बना दीजिए, रेस्पेक्टिव नाच देगा, फर्स्ट में ग्राफ बनाए जैसा फर्स्ट में आएगा वैसे सेकेंड में आएगा और जैसा ऊपर आएगा वैसे ही नीचे आएगा,
तो ये हमारा बन जाता है, फिर सेंटर आ जाएगा 0.0, ठीक है। फिर एक्सेस एक्सेस की बात कर लेते हैं, जो ये जिसपे आपके दोनों वर्टिसेस होते हैं, इसको लेटर देते हैं, मैं A1 A2 बोल देता हूँ, करेक्ट है। तो करस्पॉन्डिंग इसके जो फोकस होते हैं वो यहाँ होते हैं F1 और F2, ठीक है। एसेंडेंसिटी की बात कर लेते तो E रिक्वेस्ट होता है C पर, ये कल बताया था मैंने आप लोगों को, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर से फोकस का डिस्टेंस अपॉन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो E रिक्वेस्ट C पर ये होता है। तो यहां से स्क्वायरिंग कर दो तो E स्क्वायर रिक्वेस्ट हो जाएगा C स्क्वायर की जगह बैठेगा A² प्लस B² बाई A², तो यहां से E का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ही आएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस B² बाई A², ठीक है। तो जैसे हमारे ये दो वर्टिसेस हैं A1 A2, C के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिसेस ये आएंगे B1 और B2, जिसपे फोकस लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये दोनों हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सेस, जिसमें ये कहलाती है हमारी, जैसे उसमें LS हम लोग बोलते हैं इसको मेजर एक्सेस, वैसे ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं TA, और इसको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सेस CA, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ टी ए, उसको शॉर्ट से हम लोग टी ए, दैट विल बी इक्वल टू A1 A2 विच इज इक्वल टू कम आउट टू बी 2A, और लेंथ ऑफ सी ए दैट विल बी इक्वल टू B1 B2 विच इज कम आउट टू बी 2B, ठीक है भाई। अब जब 2A 2B पता था तो मैंने यहां से एसेंडेंसी का एक और फॉर्मूला लिख दिया, वो लिख दिया 1 प्लस, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, तो ये बन जाएगा CA का स्क्वायर अपॉन TA का स्क्वायर, ठीक ओके। तो फिर से ये बेसिक डेफिनेशन हमारी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर, किसी दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, तो वो वेरिएबल पॉइंट हमेशा किस पे नाचता है, हाइपरबोला पे, किस पे नाचता है, हाइपरबोला पे। डेरिवेशन कैसे हो मैंने करके दिखा दिया, फेस का शेप कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहलाती है एसेंट्रिसिटी, तो E इक्वल टू C बाई A, ठीक है। जिस पे दोनों फोकस लाई करते हैं वो ट्रांसफर एक्सेस होती है, A1 A2 तक की लेंथ उसकी ट्रांसफर लेंथ एक्सेस की लेंथ कहलाती है, जिसको 2A के बराबर लिख रखा है। सिमिलरली कॉन्जुगेट एक्सेस दूसरी होती है, जो परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर एक्सेस होती है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर होती है, तो उसको उसके दो वर्टिसेस होते हैं B1 B2, उसको मैंने 2B से रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो B1 के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 0, B, और B2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, -B, ठीक। तो ये हमने बात कर ली, छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते चल रहे, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछ जरूर लेना बेटा, ध्यान से समझते हो। हाँ भाई, फिर उसके बाद एक टर्म आता है फोकल डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोली थी याद होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा FDP, फोकल डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में करो FDP, फोकल डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो corresponding to every focus, there exist two lines, x is equals to A by E and x is equals to, यहाँ से आपको दिख रहा होगा E1 से बड़ा होगा, ठीक है, और hyperbola भी E1 से बड़ा होता है। तो इसके coordinate आ जाएंगे अपने पास AE, C के वैल्यू पुट कर देंगे, इसके coordinate आ जाएंगे -AE, 0। तो corresponding to every hyperbola, there exist two lines whose equation is x is equals to A by E and x is equals to -A by E। ये जो लाइन्स आती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स 1 और डायरेक्ट्रिक्स 2। तो अकॉर्डिंग टू द एफडीपी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट P ओवर हियर, तो PF1 इज इक्वल टू E टाइम्स PM1 एज वेल एज PF2 इज इक्वल टू E टाइम्स PM2। तो PF1 इज इक्वल टू E टाइम्स PM1 and PF2 is equal to E times PM2. So PF1 minus PF2 की बात कर रहे अपन, मॉड ले लेते हैं, E बाहर आ जाएगा, modulus of PM1 minus PM2, ठीक है। आइए इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो let us assume कि P की कोऑर्डिनेट है x, y, तो PM1, इस पॉइंट को मैंने M1 बोला हुआ है, तो PM1 x minus A by E,
तो e टाइम्स x माइनस a बाई माइनस pm2, तो x प्लस a बाई x प्लस a बाई x x कट जाएगा, e से e कट जाएगा और ये 2a के बराबर आ जाएगा। यहां से मैंने डिफाइन जो अपने पहली लाइन लिखी थी याद होगा आज, पीएस वन माइनस पीएस टू शुड बी इक्वल टू 2a। तो हाइपरबोला के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हाइपरबोला के लिए पीएफ वन माइनस पी एफ किसके बराबर होना चाहिए 2a, वो हमने प्रूफ करके आपको दे दिया, ठीक है। बाकी इसी के अंदर मैं और थोड़ी छोटी चीजें आपको बता देता, हाइपरबोला के अंदर जो हमने सब पढ़ा था वही सारी चीजें वापस से, कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बहुत ताबड़तोड़ चीज बताने जा रहा हूँ, सब रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली। तो अगर इसी फोटो के अंदर उन्होंने एसेंट्रिसिटी निकाली, डायरेक्ट्रिक्स निकाली, सब बात कर ली, तो फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, तो एनी कॉर्ड सॉरी लेट अस रेक्टम ये कहलाएगी हमारी एल वन और एल टू, ठीक है, ये फोकल कॉर्ड कहलाएगी, ये हमारी डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी बी वन बी टू, ये हमारी फोकल कॉर्ड कहलाएगी ए बी, ए बी को हम लोग बोलेंगे फोकल कॉर्ड, एल वन एल टू को बोलेंगे लेट अस रेक्टम और डी वन डी टू को बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। एल वन एल टू की लेंथ एंड पॉइंट वही सारी कैलकुलेशन, तो लेंथ ऑफ एल आर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आता वापस से टू बी स्क्वायर बाई ए, सेम होता सेम, बिल्कुल कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लो ए ही, ए ही करस्पॉन्डिंग एल वन एल टू की एंड पॉइंट अगर हमें चाहिए, मान लिया एल वन की पॉइंट चाहिए तो आ जाएगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, एल टू की एंड पॉइंट चाहिए तो आ जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, टू बी स्क्वायर बाई ए, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो सी ए का स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स अपॉन टी ए, लेंथ ऑफ लेटर रिटर्न निकल आता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, सारी चीजें मैंने ड्रॉ कर दी, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है जो स्पेशली सिर्फ हाइपरबोला के लिए होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अपन ने जब इलिप्स पढ़ा था तो याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स, ऐसे हाइपरबोला में एक होता है, एक तो ये हाइपरबोला है और एक होता है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या होता है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, क्या कहता है? तो बेसिकली कॉन्जुगेट हाइपरबोला से क्या कहता है बेटा, उसको समझिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहता है कि अगर एक ऐसा हाइपरबोला, जो भी हाइपरबोला आपने ले रखा है, मैं डिफिनेशन की जगह पे सीधे बात करता हूँ, अगर एक हाइपरबोला अपने पास था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, अपने पास एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इसकी जो टी ए और टू ए, इसकी जो सी ए है वो टू बी है, ट्रांसफर एक्सेस है कॉन्जुगेट एक्सेस, तो इस हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग, इस हाइपरबोला करस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है। क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, फोटो से दिखा दूंगा आपको, वो क्या कहता है, वो कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस वन देता है, ये क्या देता है माइनस वन। क्या होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट, करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट एनदर हाइपरबोला हूज सी एंड टी ए, हूज सी एंड टी ए आर रिवर्स ऑफ दैट ऑफ सी एंड टी ए ऑफ हाइपरबोला, मतलब ये 2b हो गया और ये 2a हो गया, ठीक है। इसके अंदर दो नोट करके पॉइंट आते हैं, क्या आता है जिसको हम लोग डिराइव भी कर लेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या मतलब ये कहना चाह रहा है, वो देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। हाँ बेटा, तो बात करी जा रही है कि एक अगर हाइपरबोला आपको दिया गया है, एक अगर हाइपरबोला आपको दिया गया है, मैं इसको एच लिख देता हूं, ये इसका फोकस आ गया F1, ये इसका फोकस आ गया F2, ये इसका वर्टेक्स आ गया A2, ये इसका वर्टेक्स आ गया A1,
this hyperbola is corresponding another hyperbola is there. ठीक है, जो क्या रहता है हमारा conjugate hyperbola. इसका ये vertex होता है B1 और ये vertex होता है B2. ठीक है, यानी white वाले के लिए ये है transverse axis और पीले वाले के लिए ये है transverse axis. White वाले के लिए ये है conjugate axis और पीले वाले के लिए ये है conjugate axis. White वाले के focus F1 F2 इस लाइन पे x एक्सिस पे, इसके फोकस y एक्सिस पे. तो ये हो गया F1 डैश और ये हो गया F2 डैश. तो पहली चीज तो होती है कि जब मैं इन चारों को मिलाता हूं तो नोट का पहला पॉइंट कहता है F1 डैश एंड F2 डैश फॉर्म अ रेक्टेंगल. फॉर्म अ रेक्टेंगल. ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मैं इसके एसेंट्रिसिटी को EH बोल रहा हूं, इसके एसेंट्रिसिटी को ECH बोल रहा हूं, तो 1/EH का स्क्वायर प्लस 1/ECH का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. ये दो पॉइंट है, उनको ध्यान रखना. इक्वल टू 1 रेक्टेंगल. हाँ, मुझे भी लग रहा था गड़बड़ी. यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर आता है. एक्चुअली में ए और बी में सिमेट्री है ना, तो वो मैनिपुलेट कर जाएगा चारों मिलकर के स्क्वायर बनाते हैं. तो ये अपन ने कॉन्जुगेट हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में बात कर ली. फोकल डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया. हाइपरबोला के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो मैंने बता दिया. आइए इस पे वर्कआउट करने के बाद आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन करते हैं. तो जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो शायद जेई मेंस का ही है और बाकी तो अच्छे एग्जांपल्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे पहले दो क्वेश्चन में. तीसरा ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है. चौथे में लास्ट आर्टिकल जो अपन ने लिस्ट में आपको ये पॉइंट बता रखा था उसी का एप्लीकेशन में हाइपरबोला में आपको दिखाऊंगा. ठीक है बेटा. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल व्हिच टचेस एक्सटर्नली टू गिवन सर्कल्स इज अ हाइपरबोला. दो गिवन सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल मान ले छोटा सा, मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, दोनों की रेडियस पता है. तो इसको एक्सटर्नली टच करने वाले खूब सारे सर्किल होंगे. ठीक है, तो एक्सटर्नली टच करने एक सर्किल ये भी होगा, मिक्की माउस का शेप बन के आएगा. इसके सेंटर का हमें लोकस चाहिए, सेंटर को C मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे बलून छोटा होगा ये यू मूव करेगा. ठीक है, ये यू मूव करेगा. जब ये न्यू मूव करेगा तो ये ब्रांच ऑफ हाइपरबोला जनरेट करेगा, पैराबोला नहीं करेगा. क्यों कर रहा है, आइए उसको वर्कआउट करते हैं. तो ये गिवन सर्कल था तो इसकी रेडियस गिवन होगी R1, ये गिवन सर्कल था तो इसकी रेडियस गिवन होगी R2, ये वेरिएबल सर्कल था तो इसकी रेडियस वेरिएबल रहेगी R और R. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन मैं लिखूंगा सी से C1 का डिस्टेंस तो बेटा वो आएगा R+R1 और सी से C2 का डिस्टेंस तो आएगा बेटा R+R2. इस पूरी पिक्चर में लोकस किसका चाहिए, सी का. गिवन क्या क्या है, C1 R1 C2 R2, तो अननोन कौन चल रहा है, R. तो इन दो इक्वेशन से किसको एलिमिनेट करें, R को. तो ये R को एलिमिनेट करते हैं. तो यहां से आएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू R1 माइनस R2. ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि मैं दोनों साइड मॉड लगा दूं, तो C1 माइनस C2 का मॉड ये कांस्टेंट जनरेट करेगा हमेशा. क्या जनरेट करेगा, कांस्टेंट. अब अगर CC1 माइनस CC2 एक कांस्टेंट है बेटा, CC1 माइनस CC2 एक कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, CC1 माइनस CC2 अगर कांस्टेंट है, दिस ऑलवेज इंप्लाइज, मैंने आपको आज सबसे पहला पॉइंट ये लिखवाया था, किसी वेरिएबल पॉइंट का C का दो फिक्स पॉइंट्स या डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो वो वेरिएबल पॉइंट, दिस इंप्लाइज किस पे नाचता है, हाइपरबोला. तो लोकस ऑफ C इज एन हाइपरबोला. ठीक है, और ये जो दो फिक्स पॉइंट ये रहे हैं विद फोकाई, अगर पूरी बात लिखना चाहेगा तो पूरी बात लिख सकते हैं, विद फोकाई, फोकाई मतलब फोकस, विद फोकाई कौन से दो पॉइंट होंगे, C1 एंड C2. तो फोकस क्या होंगे इसके, C1 और C2 होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं जो सिर्फ नाम पे आते हैं, लोकस इज हाइपरबोला, एलिस पैराबोला, सर्किल, व्हाटएवर, तो उसके इलस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको दिखाता चलता हूँ. ठीक है, सेम टाइप का, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का एक सेकंड क्वेश्चन दिए, शायद आईटी का है वो क्वेश्चन, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है. ठीक, कंसेप्ट समझने आना चाहिए आपको अच्छे से, जो कि जरूरी है.
सेकंड पॉइंट कह रहे हैं गिवन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल्स देन प्रूव दैट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल मूव्स ऑन हाइपरबोला. ठीक है, गिवन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल. तो देखो क्या क्या गिवन है, पहले तो मोर नोट कर लेते. तो गिवन है अपने को दो चीज, ठीक है, एक ट्रायंगल अगर गिवन है एबीसी, ठीक है, तो उसका बेस गिवन है मतलब ए गिवन है, और क्या गिवन है रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल मतलब 10 बी बाई 2 अपॉन 10 सी बाई 2 गिवन है, 10 बी बाई 2 अपॉन 10 सी बाई 2 ये भी गिवन है, इसको मैंने लैम्डा मान लिया. तो एक चीज ये दे रखी है और एक चीज हमें ये दे रखी है. तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल मूव्स ऑन द हाइपरबोला. ये वर्टेक्स एक हाइपरबोला पे मूव कर रहा है, इसको वर्कआउट करना है. आप सोच रहे होंगे सर कहां से आप एसओटी को उठा लाए हाइपरबोला के अंदर, कहां मेंस में इतना आता है. मैं मानता हूं नहीं आता, बिल्कुल एक्सेप्टेड, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि ये क्वेश्चन मेंस में नहीं आता है. बट पॉइंट ये, कई बार ऐसा होता है कि आईआईटी के पुराने क्वेश्चन मेंस पे डायरेक्ट चुराए जाते हैं. चुराना वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा ही लगता है, बट हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि जो आईआईटी का पुराने आए हुए क्वेश्चन थे वो एज इट इज आ जाते हैं कई बार. तो ये आईआईटी का ही शायद कंसेप्ट है छोटा सा. आइए देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बेसिक एसओटी लगेगा. तो हमने यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया, 10 बाय 2 का फॉर्मूला लगाया, तो डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, एसओटी में फॉर्मूला याद होगा, अपॉन डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा. लिखा डेल्टा कट गया, एस कट गया, डेल्टा कट गया, एस कट गया, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा आ गया. ठीक है, एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी माइनस बी, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई वन. ठीक है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, दोनों में कंपाउंड डिविडेंड लगा दो. ठीक है, तो जैसे आपने इसमें कंपाउंड डिविडेंड लगाई बेटा, तो आपके पास क्या है, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो 2a आ गया, या दोनों को पहले हम ऐसे ऐड कर देते, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस c इज इक्वल्स टू, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे 2a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा b माइनस c इज इक्वल्स टू a टाइम्स लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई कि b माइनस सी शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. भाई a गिवन है, लैम्डा गिवन है, सब मिलकर कॉन्स्टेंट होगा, बोलो सर जीरो भी तो सकता, हाँ तो कॉन्स्टेंट में मैं जीरो मान सकता हूँ, मतलब केस जीरो नहीं होगा तो जो वैल्यू आएगी वही कॉन्स्टेंट वैल्यू देगी छोड़ेगी. b माइनस सी का मतलब वो b हम लोग इस लेंथ को बोलते हैं, c हम लोग इस लेंथ को बोलते हैं, तो दैट मीन्स c से a का डिफरेंस माइनस ए सी माइनस ए बी लिख दो बेटर रहेगा, ए सी माइनस ए बी मॉड लगा दो, डिफरेंस की बात करें शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. अब देखिए फिर से वही चीज आ गई, किसी एक वेरिएबल पॉइंट ए का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल पॉइंट किस पे बैठेगा, हाइपरबोला पे. दिस इंप्लाइज लोकस ऑफ ए इज हाइपरबोला, इज हाइपरबोला विथ फोकाई, विथ फोकाई, अगर फोकस की बात करता है फोकस क्या होगा, विथ फोकाई C and B, C and B. Comfortable? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अपन को दो डाटा दे रखा था, SOT का बेसिक फॉर्मूला लगाया, इस जगह पे पहुंच गए, S के वैल्यू पुट कर दी, A plus B plus C by 2, फिर मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंड डिविडेंड लगाया इस स्टेप पे, हमारा याद होगा बेसिक फॉर्मूला होता है, फिर वहां से मैंने B minus C को कॉन्स्टेंट वर्कआउट कर लिया, B minus C का नाम लिख दिया, लोकस निकाल दिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देना, केयरफुली समझते हो. तो मैंने आपको दो बेसिक इलस्ट्रेशन वो करा दिए जो आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब फॉर्मूला मीन्स अपने याद रखना. कई बार हम सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं कि ऑप्शन में अगर हमें एलिस पैराबोला हाइपरबोला दे रखा है तो हम बैठ करके वहां पे इक्वेशन को डिराइव करने लग जाए. प्लीज डोंट डू दैट थिंग. अगर आपको दिख रहा है कि बेसिक ज्योमेट्री लगा करके, बेसिक ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री, अगर आप बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री लगा करके मैनिपुलेट कर सकते हैं तो प्लीज वर्कआउट विद दैट ओनली. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइपरबोला इफ द सेंटर इज -3.2 एंड वन ऑफ द वर्टेक्स इज -3.4 एंड एसेंसिटी इज 5/2. ठीक है, तो पहले जो जो दे रखा था उसको मार्क कर दो. तो सेंटर है -3.2, -3.2 यहां कहीं होगा, वन ऑफ द वर्टेक्स इज -3.4, अरे -3.4 मतलब यहां होगा, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये सेंटर हो गया, मतलब ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस, ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब हाइपरबोला की सूरत ऐसे आ रही है. ठीक है, ये कुछ आएगी,
अच्छा मतलब रेक्टेंगुलर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ आपसे, तो इक्वेशन होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ठीक है। तो सेंटर तो पता ही हमें, अब अगर हमें सेंटर पता है तो हम लिख सकते हैं हाइपरबोला के बारे में। सेंटर क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन क्यों लगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला चल रहा है, ठीक है। अब ए और बी को निकालना है, तो ये सेंटर दे रखा है उसने, ये वर्टेक्स दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा बी के बराबर, ठीक है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा टू, ई दे रखा है कितना फाइव बाई टू, तो ई पता है तो स्क्वायर कर दो, तो वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पच्चीस बटे चार, बी मतलब चार, तो चार बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू इक्कीस बटे चार। चेक करना गलती ना हो, ये B का मतलब आया 2, करेक्ट है, तो 2 का मतलब हो गया B 2 हो गया, तो 2 टू द 4, 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंडेंसी हो जाएगी ना 1 प्लस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर बाई 4, तो यहां से 4 से 4 कट गया, A स्क्वायर कितना आ गया 21, ये कॉन्जुगेट एक्सेस से ट्रांसफर से तो इंटरचेंज होगी ना, तो वही लगाया, ठीक है। दोनों को यूज कर लो, हाइपरबोला की एक्चुअल इक्वेशन आ गई x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 21 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। यहां पे क्या हुआ समझ में आया कुछ, भाई e स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला कैसे लगा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी ए का स्क्वायर अपॉन टी ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर का। अब बेटा जब हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये हो जाएगा सी ए और ये हो जाएगा टी ए, तो बेसिकली टू बी हो जाएगा टी ए और टू ए हो जाएगा सी ए, तो टू ए की वजह से इसको मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, तो वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डन। एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से इंटरप्रेटेड हो रहा है, आइए मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या है, इलिस में अपने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, तो इलिस में उन्होंने पढ़ा था, इलिस की इक्वेशन हम लिख सकते थे एल वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा। एल वन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मेजर एक्सेस, L2 इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द माइनर एक्सेस। तो उस फंडे, उस कंसेप्ट पे जो यूज किया गया ना, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी हमने हाइपरबोला में यूज किया है। अब कैसे किया है, आइए मैं आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। और समझने के बाद क्वेश्चन का उसने सिर्फ कुछ नहीं पूछा आपसे, एसेंडेंसिटी पूछी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, ओनली द रिप्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट टफ, तो आपको लगेगा कि सर मैं कैसे हाइपरबोला के क्वेश्चन को हैंडल करूंगा इसके रिप्रेजेंटेशन को देख करके, बट ये टफ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। क्या है ये समझते हैं, सबसे पहले हमने इसको एक परपेंडिकुलर लेंथ में कन्वर्ट किया, तो ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने लिखा है 3x माइनस 4y माइनस 12 बाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे 100 था 25 चला गया तो 4 बन गया, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा दे रखा था उसको हमने वर्कआउट किया 4x प्लस 3y माइनस 12 बाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 है 25 गया 9 आ गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हमने जो इंटरप्रेट किया, तो देखो ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं इसको समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये कॉन्जुगेट एक्सेस कुछ ऐसे जा रही होगी, ट्रांसफर एक्सेस कुछ ऐसे आ रही होगी, हाइपरबोला कुछ ऐसे बन रहा होगा यू, ठीक है। ध्यान रखना ये x एक्सेस y एक्सेस की करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो जो इसका a आएगा वो तो 2 ही आएगा और जो इसका b आएगा वो 3 आ जाएगा, तो हमें e निकालना था सिर्फ चुपचाप, फिर हाइपरबोला को उठाया और ऐसे शिफ्ट कर दिया ना मैंने, वही फंडा यहाँ यूज किया, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9 बाई 4, 9 बाई 4 का मतलब रूट 13 बाई 2, जो इसकी एसेंडेंसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी रूट 13 बाई 2, क्लियर है। क्या क्वेश्चन समझा रही कैसे की गई है, ठीक है, चलिए याद रखना, अच्छा कंसेप्ट जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हाइपरबोला है, नॉट इन द सिलेबस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब चीजें, मैं आपको थोड़ी सी इसलिए बता देता हूँ
अपने सिलेबस में नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है, बट ठीक है गलती से कहीं आ जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने बताया नहीं। सर मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं हाइपरबोला में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन की सेंटर दिया हो, फोकस दिया हो, एसेंट्रिसिटी दे रखी है, इक्वेशन निकाले। तो आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं। If theta belongs to 0 to pi by 2, if E eccentricity, E मतलब eccentricity of the hyperbola this is greater than 2, then find the range of length of LR, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम E की बात कर लेते हैं, E greater than 2 दे रखा है। E का मतलब हो गया 1 plus B square मतलब sin square theta upon cos square theta should be equals to E square, should be greater than 4, तो यहां से आ जाएगा sec square theta should be greater than 4, यहां से आ जाएगा sec theta should be greater than 2, तो यहां से आ जाएगा cos theta should be less than 1 by 2 and greater than 0। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हैं उसकी वीडियोज ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें, ठीक। ओके अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ रेंज ऑफ एलआर पूछा है, तो जो एलआर उसके हमें रेंज चाहिए, तो हम एलआर का फॉर्मूला लेंगे 2b² / a, ठीक है। तो 2b² का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा, तो बन जाएगा 2 tan थीटा इनटू, ये मत करो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करूं मैं देखना ध्यान से, मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन ऑफ लेट अस अज्यूम t, बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव कर दिया f' t, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, टी का माइनस 1 आ जाएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज f इज डिक्रीजिंग आ जाएगा, और अगर f डिक्रीजिंग है तो जो f बिलोंग्स टू करेगा वो करेगा डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे लेगा, मिनिमम वैल्यू हाफ पे लेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 से लेकर के इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू हाफ पे लेगा और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे लेगा, तो रेंज आ जाएगी 3 से इनफाइनाइट। चलिए फंडा समझा के क्लियर है, कंफर्टेबल, अच्छा क्वेश्चन था, यही मेंस का सही जैम क्वेश्चन है, जैम ब्रेड में लगाने वाला जैम, जेम वाला जैम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। सर बोला है हाइपरबोला गेम हैज इट्स सेंटर एट 0 0, पासेस 4 2 एंड लेंथ ऑफ टी ए 4 अलोंग द एक्सिस, फाइंड एसेंट्रिसिटी। सेंटर 0 0 दे रखा है, तो मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को x² / a² - y² / b² = 1 लिख सकता हूं। ये पास कर रहा है कहां से, 4, 2 से, तो x² / 16 - 4 / b² = 1 आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ टी ए इक्वल टू 4 दे रखा है, मतलब टी ए ट्रांसफर एक्सेस 2a = 4 आ गया, a2 रख देंगे यहाँ पे, तो 16/4 आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा, तो b² = आ जाएगा 4/3, ठीक है। और क्या पूछा उसने, फाइंड एसेंट्रिसिटी, e² = 1 + b² / a² बेटा, जे मेन से क्वेश्चन है जितने लिखे हुए अपने बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी मैं आंसर बताता जाऊंगा, b² = 16/9, a² = 4, तो ये हो गया 1 + 4/9 13/9, तो जो एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकल के आएगी वो आएगी 13/9, ठीक। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर क्या है, क्या पूछा था उसने, द एसेंट्रिसिटी, तो b² = 1 + b² / a² आएगा, a² आएगा, ऑप्शन में कुछ अजीब से दिया हुआ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं, तो 1 + b² / a²
अच्छा 4/3 ही होगा, यहाँ कैलकुलेशन गलत करिए अपन ने, जाएगा 1+4/3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4, ये 4 से 4 कटा, 1+1 में से 4/3 आ गया, तो e इज इक्वल टू आ गया 2/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने चाहिए। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाइपरबोला हाइपरबोला कई बच्चे छोड़ के जाते हैं कोनिक सेक्शन। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री बहुत आसान दरवाजा है आईटी मेंस को क्लियर करने के लिए, बहुत आसान, बहुत कम फोर्स लगाकर आप इस दरवाजे को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम टू द 7th क्वेश्चन। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ देते, क्यों छोड़ते मुझे नहीं पता। लेंथ ऑफ सीए 5 दे रखा, मतलब 2b = 5 दिया हुआ है, 2ae = 13 दे रखा है, ई पूछा उसने। तो देखिए यहाँ से अगर अपने e स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो e स्क्वायर इक्वल्स टू ए 1+b² / a² आ जाएगा, ठीक है, तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1+b का मतलब हो गया 25/4 यहां से कर दिए, और a स्क्वायर का मतलब हो गया 13/2e² ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी संधि सी, 1+25/4 से 4 पे चला गया, 25/169 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर उधर ले आएंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 169 - 25, तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ई इक्वल टू आ जाएगा 13/12। आंसर चेक कर लेते हैं, इनका सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सी, 13/12 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो दिया था फोकल लेंथ दे रखी थी 13 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस दे रखी थी 5, दोनों का यूज किया और अपन ने मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब भूमिका देखा करिए, मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं और बस पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग चलाइए स्पीड से और क्वेश्चन लिखे हैं तब सॉल्व भी करिए, ये नहीं कि मेरे चक्कर में बैठे हैं। तो बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके या उसको बंद करके और आप उसको क्वेश्चन को वर्कआउट करें। इफ द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला बी एट -2.0 एंड 2.0 एंड वन ऑफ इट्स फोकाई बी एट -3.0 फाइंड द हाइपरबोला। हाइपरबोला निकालने दोनों वर्टेक्स पता है, तो अगर दोनों वर्टेक्स पता है और फोकाई पता है, ठीक है, तो सेंटर डेफिनेटली 0-0 आ गए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ गई x² / a² -y² / b² = 1, और जिस हिसाब से वर्टेक्स दे रखे उस हिसाब से a की वैल्यू 2 हो जाएगी और ae की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, -3 दे रखा है ना, वन ऑफ द फोकाई, तो ae पता है, a पता है, तो e आ जाएगा 3/2। अब e आ जाएगा 3/2, तो b स्क्वायर निकाल दो, b स्क्वायर 1+b² मतलब हो जाएगी e स्क्वायर a स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या हम इन सारे क्वेश्चन को करने में 4-5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज्यादा लगेगा, तो ये पेपर में वो पार्ट होगा, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आप देखिए किस लेवल पे हाइपरबोला आता है, कि ये क्वेश्चन का वो पार्ट होगा पेपर में जिसको करने में बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, टाइम बचेगा, वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, मैथ्स में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन फिजिक्स में कर लें, केमिस्ट्री में कर लें, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल इसको वर्कआउट करें। आंसर चेक कर लेते हैं अपन, आंसर x² / 4 - y² / 5 = करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 8 के बाद 9। इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 - √3 इज 4x = 4√5 एंड इट्स एसेंटली ई, देन प्रूव दैट दिस थिंग। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी, एक हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन है यहां से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन विद द सेंटर ओरिजिन ये आ गई, पास कर रहे इससे सेटिस्फाई करा दिया, 16/a² माइनस का 8 24/b² 4 3 12 आएगा, तो 4 3 12 आएगा, 16। ठीक है, और
डायरेक्टिव इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू 4/√5, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ई मान ली है, बाकी कुछ पता नहीं है। ये सिचुएशन आ चुकी है, मैनिपुलेशन करना है, तो x इक्वल टू हम a बाई ई से कंपेयर करेंगे इसको, 4/√5 आएगा। यहां से a इक्वल टू आ जाएगा 4e/√5, ठीक है। b स्क्वायर पॉट आना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4/16 e स्क्वायर बाई 5 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। दोनों को इसमें यूज करो और यूज करके मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो 16b² 16/5 ई स्क्वायर टाइम, चेक कर लेना मिस्टेक ना हो गई, ए बाई ई इक्वल टू 4/√5, ठीक है। टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर, ए इसका मतलब 16e² / 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 16e² / 5 इंटू 16/5 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, 16e² / 5 ये और ये तो कट गया, ठीक है। तो 16e² माइनस 16 माइनस 12 इक्वल टू 16/5 e^4 - e^2, सेकंड मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो 4 से कटेगा, 2 को कटेगा, 20 आएगा, ऐसे साइड करेक्ट है, सिंपलीफाई कर दीजिएगा तो यू गेट द वैल्यू दैट विल बी कम आउट टू बी 4e^4 - 24e^2 + 35 = 0। सिंपल सी कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है कि यहां से ठीक है 4 से कटेगा सर, और 4 से कटेगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और जैसे ये वाला टर्म आ गया मतलब मैनिपुलेशन अपना सही चल रहा है, इसलिए मैंने इसके बाद वाला स्टेप छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा। पढ़ना क्या किया मैं समझ आ गया। अच्छा मैं ये मैंने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, देन करके उसने 4 ऑप्शन दिए थे कि ये 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 ये, तो बेसिकली आपको हाइपरबोला की पूरी इक्वेशन में सबको सब्स्टिट्यूट करके सारे रिजल्ट को ई के टर्म्स में लाना था, और ई के टर्म्स से जो मैनिपुलेशन होता है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि सीरियस मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं अगर बोलूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। पहला क्वेश्चन आता है एक तो कैलकुलेशन, जो अच्छे क्वेश्चन की बात करूं तो वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है जो कि सामने चल रहा है। दूसरा आता है कंसेप्चुअली गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है। गुड होने का मतलब होता है 2 चीजों में, मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं होने के 2 रीजन होंगे मेजर। पहला रीजन कि कैलकुलेशन बहुत हाइपर होगी, आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, जैसे लाइक दिस पे मैनिपुलेशन करते हुए सर इतना काटना कूटना, ठीक है थोड़ा सा। और दूसरा होगा कि आपको क्लिक नहीं करेगा, क्लिक नहीं करने का रीजन है कि आपको कंसेप्ट क्लिक नहीं करेगा, किस कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, दिस फाइंड इट्स अ फोकस, मतलब डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है हाइपरबोला, दे रखा फोकस पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल है, मैं फोकस तो डायरेक्ट निकाल देंगे हाइपरबोला से, करस्पॉन्डिंग फोकस हो सकता तो भी होता। तो अच्छा इसमें क्वेश्चन, हाँ फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग फोकस, करस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फोकस वर्ड आएगा, ठीक है। (3, b) (4, e) (1, √1+16/9). 5/3 तो ये 5/3 नहीं है, 3 है, तो ये वाला फोकस कितना निकल के -5 पेपर में छोड़े, कभी नहीं छोड़ेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं लेने जा रहा हूं बेटा वो आर्टिकल है
ऑक्सिलरी सर्कल, एसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले से पढ़ा था उसी की बात कर रहे, उसी तरीके से बात कर रहे, नॉट उसी की बात कर रहे, थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने हाइपरबोला ले रखा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन? हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको अगर मैं डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करता हूँ लेंथ ऑफ टीए को, तो वो जो सर्किल होता है वो हमारा कहलाता है एसी। क्या कहलाता है? एसी। तो ये एसी होगी और ये हाइपरबोला होगी। उड़ेगा इक्वेशन ऑफ एसी, तो ऑक्सिलरी सर्किल इक्वेशन आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो ओरिजिन रहेगा, रेडियस ए आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिया, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी सर्किल पे, एक पॉइंट लिया से एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, वो पॉइंट डेटा दे दिन पी लिया, उसने यहां से ये एंगल थीटा बनाया। ठीक है, इस पी की करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां पे एन आया और इस एन की करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां पे आर आया। तो ये लेंथ अगर ए थी तो इसकी क्वाड्रेंट आ जाएंगे ए सेक थीटा कॉमा जीरो, तो जो आर की क्वाड्रेंट आ जाएंगे पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट ऑन द हाइपरबोला वो आ जाएंगे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। हमने एक्सिलरी सर्किल की बात कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर ली ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और जो थीटा होगा वो होगा जीरो से टू पाई। ठीक है, टू पाई पे लगा दो, जीरो पे लगा दो, एक्सेप्ट पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू, एक्सेप्ट पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू, और जो थीटा होता है ये नोन इज नोन एज एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, इस पी के करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आता है आर, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो पी एंड आर आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट, आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट, नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं वो है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कवर होगा आफ्टर दैट, दैट विल बी कम आउट टू बी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। मैंने हेडिंग डाल रखी थी क्योंकि आर्टिकल कोई छूट ना जाए, इसे मैं पेज पे लिख लेता हूँ, जिससे दिमाग में ये रहे कि कम से कम कोई आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए, ऑर्डर क्या है वो सब चीजें सिंक्रोनाइज भी रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कई बार हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, टाइम कम है आप भी जानते हैं, तो मैं बहुत लिमिटेड टाइम में सारी चीजों को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट, होपफुली आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहता है जो ऑर्डर हम लोग पैराबोला सर्किल से पढ़ते चले आ रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, क्या बोला? हाइपरबोला बोला। तो बात करिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला की, हाइपरबोला में थोड़ी सी सुंदरता होती है, इसको ध्यान रखना आप लोग, कई लोग होते हैं, मैंने आप लोग को बता रखा था जिस पोर्शन में फोकस लाई करता है वो पोर्शन हमारा इनसाइड कहलाता है। ठीक है, अगर ये हाइपरबोला को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक पॉइंट पी ले रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, पी की तीन पोजिशन दिखा रहा हूँ आपको, मैं लिखूंगा एच ऑफ पी ग्रेटर देन जीरो, एच ऑफ पी इक्वल टू जीरो और एच ऑफ पी लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में तो पी इनसाइड होगा, इक्वल टू जीरो में ऑन होगा और लेस देन जीरो में पी इनसाइड आउटसाइड होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है उल्टा होता है। ठीक है, एच ऑफ पी ग्रेटर देन पी आउटसाइड करा, ई ऑफ पी ग्रेटर देन जीरो पी आउट ग्रेटर देन
ई ऑफ पी ग्रेटर देन 0 पी आउटसाइड कहलाता था, पी ऑफ आर ग्रेटर देन 0 पी आउटसाइड कहलाता था, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन हाइपरबोला होती है। इसको अपन उससे भी कह सकते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जो बेसिक डेफिनेशन थी पी एफ वन इंटू पी एफ टू वाले कंसेप्ट से, क्या ठीक है, इसी काम चल जाता है, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती इतने में। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल अपन कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला सब बात करी हुई है, रिवाइज करा रहा हूँ शॉर्ट में, सिंपल से। अगर अपने पास एक हाइपरबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन टच करेगी, लाइन कट करेगी और लाइन आउटसाइड आएगी, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। लाइन की इक्वेशन को मैंने मान लिया वाई इक्वल्स टू लाइन, मान लिया ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइपरबोला को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और हाइपरबोला की इक्वेशन को मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। क्या करते हैं याद है? अरे बिल्कुल याद होगा भाई, तीसरी बार चौथी बार आ रहा है, सर्कल से स्टार्ट हो चुका था ये, दोनों को सॉल्व करते, बहुत शानदार बात, तो दोनों को सॉल्व करते, तो यहां से y की वैल्यू उठाइए इसमें रख दीजिए, तो अगर गेट ए क्वाड्रेटिक x स्क्वायर टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर टाइम्स ऑफ y mx + c का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। x में क्वाड्रेटिक आ गई, x की क्वाड्रेटिक के बाद क्या कंडीशन लगती थी? डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगती थी, बिल्कुल सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट पे कितनी कंडीशन लगती थी? डिस्क्रिमिनेंट पे तीन कंडीशन लगती थी, d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0। तो यहां से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पे तीन कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, इस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे तीन कंडीशन लगा रहे हैं, पहली कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 और डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 फर्स्ट केस है, डी इक्वल्स टू 0 सेकंड केस है, एंड डी ग्रेटर देन 0 थर्ड केस है। डी इक्वल्स टू 0 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, वहां से आता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। आप सोचो तो सर हम ये कैसे याद रखें, अरे भाई इलिप्स की याद थी, इलिप्स में क्या था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपरबोला में जहां इलिप्स में जहां जहां प्लस बी था, हाइपरबोला में इसको माइनस बी से रिप्लेस करते चलो, देखो आ गई कंडीशन, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके बाद क्या किया था, इसका तो अपन ने तीन नोट लिखे थे, ठीक है, पहला नोट क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एन, तो स्लोप एन की टेंजेंट की इक्वेशन इसको देखकर के इमीडिएटली क्लिक करी थी, तो टेंजेंट आ जाएगी हाइपरबोला पे y इक्वल्स टू mx, c की जगह पे हम पुट कर देते हैं, c की जगह पे हम पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन, दैट विल बिकम आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। नोट का सेकंड पॉइंट, हां नोट का सेकंड पॉइंट क्या था, कितनी टेंजेंट किसी आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ हो सकती थी, तो अगर अपन ने हाइपरबोला की सूरत इस तरीके से ली, एक पॉइंट लिया से टेंजेंट ड्रॉ करी इस टाइप से, ठीक है, मान लिया पॉइंट आर दे रखा था। अच्छा हाँ एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो चार टेंजेंट नहीं बनती है, किसी एक ब्रांच पे दो टेंजेंट बनेंगी, सिंपल सी चीज ये है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन बोलती है उसको, कैसे बोलती है ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट से हम चार हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करते, नहीं भैया दो ही ड्रॉ कर सकते हैं। अरे ये बोला ना, ये देखो सामने, अगर ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा के थे, आर के पॉइंट अगर हम एच कॉमा के ले रहे हैं और इसका स्लोप एम वन आएगा जो कि हमने डिराइव कर रखा था, जैसे एम टू आएगा तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी के माइनस का एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से आ जाएंगे एम ए कोऑर्डिनेट, एम स्क्वायर टाइम समथिंग प्लस एम टाइम समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, तो इससे इंडिकेट होगा कि ये क्वाड्रेटिक बनी ना कि बाइक्वाड्रेटिक, और अगर ये क्वाड्रेटिक बनी है तो 110% किसी एक पॉइंट से किसी हाइपरबोला पे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक। कई बार ऐसा लगता है कि सर ये ऐसे ले जाएगी ऐसे ले, नहीं ये यूं आ रही होगी तो इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि जो इसको टच करने वाली सिचुएशन होती है एसिम्प्टोट्स की होती है, जो हम बोलते हैं कि दोनों ब्रांचेस को इन्फिनेटिव पे टच करता है, ठीक है, वो सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही होगी तो ये ऐसे जा रही होगी, तो ये इसको टच करेगी तो इसको कट भी कर रही होगी, इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है। यहां से अपने बात आता है एम वन प्लस एम टू एक दूसरा, और एक आता है एम वन एम टू, ठीक है, एम वन प्लस एम टू होता है टू के एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको प्लस बी स्क्वायर होगा अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद होना चाहिए था, नहीं याद हो तो गंदी बात, मैंने आपको बोला था सर्कल में याद करो, एलिस में याद हो जाएंगे, एलिस में याद करो हाइपरबोला में याद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर को सिर्फ
माइनस 20 को रिप्लेस कर रहे हैं। रूट का थर्ड पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल याद है क्या था, लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस जो इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पॉइंट का लोकस जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका किसी भी पेयर ऑफ टेंजेंट जो हो वो आपस में कैसे हो जाए परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आप किस पे नाचेगा, डायरेक्टर सर्कल पे नाचेगा। तो एम वन एन टू इज इक्वल टू क्या कंडीशन लगाई अपन ने, माइनस वन बेटा, एम वन एन टू माइनस वन लगाई, दैट मीन्स की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट है। यहां से जनरलाइज कर दिया तो डीसी की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भाई डीसी डिपेंड कर गया ए और बी पे, देखो अगर ए बी से बड़ा है तो रियल सर्किल आएगा, अगर ए बी के बराबर है तो पॉइंट सर्किल आएगा। तो अगर ए बी से बड़ा हो, ए बी के बराबर हो और ए बी से छोटा हो, तीन सिचुएशन आ रही। अगर ए बी से बड़ा था तो रियल डीसी आएगा, रियल डीसी, ठीक है। अगर ए बी के बराबर था तो पॉइंट डीसी आएगा, पॉइंट डीसी। और अगर ए बी से छोटा था तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, नो रियल डीसी होगा, नो रियल डायरेक्टर सर्कल, मतलब इमेजिनरी सर्कल विद द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रेडियस डिफाइंड नहीं होगी, रेडियस डिफाइंड नहीं होगी तो सर्कल को हम रियल सर्कल ना बोल करके इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे, और इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका 0.0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, सब शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ, जो चीजें याद रखनी है मैंने आपको बताई दी है, बॉक्स में डालते हैं, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बिना सोचे समझे क्या सोचें कि हम वहां पे जाके डिराइव कर लेंगे, विल नॉट बी इन द सिचुएशन टू डिराइव इट। तो इसलिए आपको ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल कवर करना है आपे को, तो नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू कवर इन द थ्योरी इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड टू बीटा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड टू बीटा। अंडा क्या आदि होगा, अगर अपन ने हाइपरबोला ले रखा है, दो पॉइंट लिए हैं अपन ने, एक पी पे लिया पी अल्फा, एक क्यू पे लिया क्यू बीटा, तो इसकी कॉर्ड की इक्वेशन आती है पी क्यू, वो आती है एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। तो x बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस का y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कैसे याद रखना है आइए उसको देखते हैं। भाई आपको सर्किल या एलिप्स किसी एक की तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एलिप्स और हाइपरबोला की याद करवा दे रहा हूं, कैसे याद करवा रहा हूं ध्यान से देख लो। मैंने क्या किया, जो गोले लगा रहा हूं उसको ध्यान देना, ये गोला ये गोला ये गोला और ये गोला, बाकी सारी दुनिया सेम रहती है। x by a cos of something plus something by 2 plus something y by b sin of something plus something by 2 is equals to cos of alpha plus minus beta by 2, कुछ भी हो सकता है, क्या होता है ये समझते हैं। तो LF की केस में ये चारों प्लस होते हैं, आखिरी वाला माइनस होता है, पहले तीन प्लस होते हैं आखिरी में माइनस होता है, हाइपरबोला केस में पहले दो माइनस होते हैं लास्ट के दो प्लस होते हैं। जैसे मैंने याद कर रखा है मैं आपको वही ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। अब जब कॉर्ड आ गई है तो हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करते थे, याद होकर कुछ नोट लिखते थे कि कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, जैसे साइपर बोला कि ये जो कॉर्ड है इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, जैसे रामू के क्या कोऑर्डिनेट होंगे हम लोग अगर वो वर्कआउट करना है एच के, तो एच के रिस्पेक्ट में सीओसी होगी, सीओसी की मैं बात करूंगा नहीं दोबारा, तीन बार चार बार कर चुका हूँ, सीओसी टी इक्वल टू जीरो होगी, कॉर्ड पता है दोनों को कंपेयर कर देना, तो मैं इसको अलग से लिखवा दे रहा हूँ कि जगह पे सीधे वर्कआउट कर देता हूँ। तो नोट का पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स,
तो वो आ जाएगा आर की कोऑर्डिनेट, तो आ जाएंगे एच, तो हो जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमा बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। मैंने क्या बोला, एलिप्स का याद है, हाइपरबोला में याद करने में कंफर्टेबिलिटी रहेगी, एलिप्स का याद है, हाइपरबोला का याद करने में कंफर्टेबिलिटी है, साइन को ध्यान देना है कि साइन क्या जनरेट होता है, ठीक है। संबोधन नोट का सेकंड पॉइंट, हाँ, इफ पी क्यू पासेस डी कॉमा जीरो, ठीक है। अगर एक कॉर्ड किसी फिक्स पॉइंट डी कॉमा जीरो से पास कर रही है तो क्या सिचुएशन होगी, तो डी कॉमा जीरो रख देते हैं, यहां से आ जाएगा तो सिंपल डी बाई ए बी बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। कंपाउंड में उन्हें लगा दो तो डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल्स टू टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। ड्राइव कर रखा है, अगर ये फोकस हो तो फोकल कॉर्ड हो जाए, तो इफ पी क्यू पासेस फोकस, इफ पी क्यू पासेस ए कॉमा जीरो, तो अगर वो ए कॉमा जीरो से पास करेगी तो डी की जगह पे हम ई रख देंगे, तो ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। तो ये हमने कुछ कुछ पॉइंट जो थे वो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किए थ्योरी के अंदर, कितनी कितनी चीजों को हम वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो आज हमने पढ़ रखा है, जो यहाँ पे मैंने थ्योरी का पार्ट एंड किया, इसके इलस्ट्रेशन से उठाऊंगा और इलस्ट्रेशन से उठा करके बाकी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितनी सारी चीजें वो सारी चीजों पर अपन वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से इसको रिवाइज करिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-212-1799। थैंक यू सो मच।